टैटू बनवाना आजकल नॉर्मल फैशन बन गया है। हर कोई कूल लुक के लिए टैटू बनवाता है। इन दिनों टैटू यंग लोगों के बीच स्टाइल स्टेटमेंट माना जाता है। टैटू बनवाना जितना कूल लगता है उतना कूल नहीं होता है। कई बार टैटू आर्टिस्ट की एक गलती की वजह से काफी नुकसान हो सकता है। एक मॉडल के लिए टैटू बनवाना काफी खतरनाक रहा है। दरअसल पोलैंड की रहने वाली 25 साल की मॉडल को आंखों पर टैटू बनवाना काफी भारी पड़ गया है। गलत टैटू बनवाने की वजह से मॉडल की आंखों की रोशनी चली गई है। बता दें कि एलेक्जेंडा सडोवस्का की एक आंख की रोशनी पूरी तरह से जा चुकी है, वही दूसरी आंख की रोशनी भी जाने की संभावना है। 25 साल की मॉडल रैप आर्टिस्ट पोपेक की तरह आईबॉल टैटू बनवाना चाहती थी। टैटू बनवाने के लिए मॉडल टैटू आर्टिस्ट के पास गई थी। गलत टैटू बनवाने की वजह से मॉडल की आंखों की रोशनी चली गई है। दरअसल आईबॉल टैटू बनवाते समय आर्टिस्ट से एक गलती हो गई। टैटू आर्टिस्ट ने गलत इंक का इस्तेमाल किया था। उन्होंने बॉडी इंक का इस्तेमाल किया था जिसके चलते मॉडल की आंखों में दर्द हुआ था, लेकिन टैटू आर्टिस्ट ने मॉडल को नॉर्मल दर्द की दवाई खाने के लिए दे दी थी। बता दें कि बाद में पता चला कि उनकी आंखों की रोशनी चली गई है। एलेक्जेंडर सडोवस्का ने आंखों की रोशनी वापस लाने के लिए 3 सर्जरी करवाई है, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि उनकी आंखों की रोशनी वापस आना मुश्किल है। मॉडल की एक आंख की रोशनी जा चुकी है, वही मॉडल को डर है कि उसकी दोनों आंखों की रोशनी पूरी तरह ना चली जाए। वही टैटू आर्टिस्ट को 3 साल की सजा सुनाई गई है। क्या है आईबॉल टैटू? आईबॉल टैटू को इसका लेरल या कॉर्नियल टैटू भी कहा जाता है। आईबॉल टैटू में इंसान की आंखों के सफेद हिस्से पर टैटू बनाया जाता है। टैटू बनाने के लिए आंखों के सफेद हिस्से पर अलग अलग कलर के इंक का उपयोग किया जाता है। आंखों में इंजेक्शन की मदद से इंक डाला जाता है। आंखों के अंदर कुछ हिस्से कलर को सोख लेते हैं। कुछ समय बाद सफेद हिस्से में कलर फैल जाता है। आईबॉल टैटू बनवाना एक जोखिम भरा काम है, क्योंकि एक छोटी सी चूक की वजह से आंखों की रोशनी जा सकती है। कौन है एलेक्जेंडा सडोवस्का? एलेक्जेंडा सडोवस्का पोलैंड की मॉडल है। 25 साल की मॉडल पोलैंड के ब्रोकला शहर में रहती है। मॉडल पॉपुलर रेपर पोपेक की तरह आईबॉल टैटू बनवाना चाहती थी, इसलिए वह एक टैटू आर्टिस्ट के पास गई थी। लेकिन टैटू आर्टिस्ट की एक गलती की वजह से एलेक्जेंडा की एक आंख की रोशनी जा चुकी है, वही दूसरी आंख की भी रोशनी जा सकती है। आंख की रोशनी वापस आ सकती है। आईबॉल टैटू का क्रेज इन दिनों काफी बढ़ गया है। आईबॉल टैटू बनवाना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। आईबॉल टैटू में किसी प्रकार की गलती की वजह से आंखों की रोशनी चली जाती है, ऐसे में रोशनी वापस पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एलेक्जेंडा सडोवस्का ने अपनी आंखों की रोशनी के लिए 3 सर्जरी करवाई है। इसके बाद भी डॉक्टर्स का कहना है कि आंखों की रोशनी वापस पाना मुश्किल है, क्योंकि आईबॉल टैटू में गलती की वजह से आंखों के टिश्यू को नुकसान होता है, जिसके ठीक करना मुश्किल है। टैटू आर्टिस्ट की गलती। एलेक्जेंडा सडोवस्का ने लोकल टैटू आर्टिस्ट से आईबॉल टैटू बनवाया था। टैटू आर्टिस्ट ने टैटू बनाते समय बॉडी इंक का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से मॉडल की आंखों की रोशनी चली गई। बता दें कि आईबॉल टैटू के लिए खास तरह की इंक का प्रयोग किया जाता है। बॉडी इंक से टैटू बनवाना बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि बॉडी इंक आंखों के टिश्यू को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं।